अब जोधपुर में राजीव गौड़ संवाददाता मौजूद है। राजीव, जोधपुर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? राजधानी जो जोधपुर है उसकी थोड़ा सा मामला इसलिए भी निराला कि यहाँ मिष्ठान के लिए जाना जाता है। इस वक्त हम एक मिठाई की दुकान पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीपावली का जो उत्साह लोगों के चेहरों पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पारंपरिक यहाँ की मिठाइयाँ हैं उसके साथ साथ में अब नई मिठाइयों ने जो किस तरह से कुछ लोग हमारे से उनसे बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें किस तरह की मिठाइयों की डिमांड है जोधपुर में? जोधपुर वासी जनरली प्रीफर करते हैं ट्रेडिशनल मिठाई, जैसे बेसन की चक्की है, दाल बादाम की चक्की है, गौनगिरी के लड्डू है, रबड़ी के लड्डू है, काजू कतली है, सोन पपड़ी है। अब धीरे धीरे एक ट्रेंड बदल रहा है कि लोग ड्राई फ्रूट की तरफ बढ़ रहे हैं और चॉकलेट की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोग ट्रेडिशनल मिठाई कम चॉकलेट और ड्राई फ्रूट ज्यादा लेंगे। क्या लगता है इस त्यौहार को आप मना रहे हैं, इसको किस रूप में लेते हैं, कैसे मिष्ठान के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं? मिष्ठान के साथ मिष्ठान एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही त्यौहार का, और चाहे चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी आ जाए पर घर में मिठाई आने की जो खुशी होती है वो तो है ही, और देने के लिए भी मिठाई हम लोग को ज्यादा अच्छी लगती है। सब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लेकिन फिर भी दिवाली के टाइम सबको लगता है कि अच्छी मिठाई तो खाएंगे ही। कहते हैं कि यहाँ पर जो चक्की होती है दाल बादाम की बेसन की वो कुछ ज्यादा ही परंपरागत मारवाड़ में चलती है। मारवाड़ की मतलब शान ही जोधपुर, ये जनता स्वीट होम वगैरह है ये पुश्तैनी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की देश विदेश में और पूरे विश्व में भी ये प्रसिद्ध है। और जोधपुर की जो मिठाइयाँ पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ से मिठाई एक्सपोर्ट भी होती है। खासतौर पर ये रेलवे स्टेशन पे वो दुकान है जहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग आते हैं थार एक्सप्रेस के जरिए वो यहाँ से पाकिस्तान तक ये मिठाई लेकर के जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो मिठास है हर त्यौहार पे, केवल दीपावली की बात नहीं है, दीपावली के अलावा भी जो है ये जो त्यौहार की यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो वहाँ पर जाती है। जी बिल्कुल। अब कोटा की बात कर लेते हैं। भंवर जी।